हमारे साथ सपा प्रमुख अखिलेश यादव हैं। अखिलेश जी, संभल पर पहले दिन से मैं देख रहा हूं कि आप जब संसद में आते हैं विरोध करते हैं, नाराजगी जाहिर करते हैं। उधर सरकार कहती है कि कानून व्यवस्था के तहत वो कोशिश कर रही कि स्थिति सामान्य हो, असली बात क्या है? नहीं, हम खुद चाहते हैं वहाँ शांति हो, सामान्य चीजें हो जाएं, जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ, झूठे मुकदमे लगे हैं, मुकदमे वापस हों। आप वहाँ के सांसद, विधायक, उनके परिवार के लोग और बड़ी संख्या में लोगों को डराने के लिए आपने मुकदमे दर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं। कई लोग जेल में हैं, महिलाओं को आप पुरुष उठा ले गए, महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे आप? नाबालिग उनको जेल भेज दिया गया, आप जो घायल अस्पताल में उस पर दबाव बना रहे हो कि आप अब स्टेटमेंट बदलिए, जो बीमार हैं उनको डरा धमका रहे, उनके परिवार को डरा धमका रहे, ये कौन सा तरीका है आपका? पुलिस और आप लोगों का डेलीगेशन जा रहा था, तो पहली बात तो आप लोग क्यों जा रहे थे? अब कांग्रेस जा रही थी, उनको भी रोका गया। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि वो बार बार ये कह रहे हैं कि जाने से माहौल और बिगड़ेगा, आप कह रहे हैं कि दुख दर्द बांटना है, हम तो कुछ दिन रुक नहीं सकते। हमारा काम है कि लोगों के दुख दर्द में पहुंचे, उनकी परेशानी को जाने। सरकार क्यों छिपाना चाहती है? आपने वो वीडियो देखे होंगे कि जहाँ हॉस्पिटल में घायल लोग हैं उन पर सरकार दबाव बना रही है कि स्टेटमेंट ये दीजिए आप। क्या ये दबाव बनाना चाहिए सरकार को? और तमाम वो अधिकारी जो निगरानी कर रहे हैं उन्हें पहले एक्सटेंशन दिया गया, दोबारा एक्सटेंशन दिया गया, तिबारा एक्सटेंशन दिया गया। मुझे एक एग्जाम्पल दे दीजिए पूरे देश के आईएएस अधिकारियों का, एक एग्जाम्पल जहां पर आईएएस को इतनी बार एक्सटेंशन दिया हो। उसको एक्सटेंशन इसलिए दिया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं को झूठा फंसाइए, मुकदमा लगाइए, इन्हें परेशान करिए, इन्हें जेल भेजिए। जी, आप भी मुख्यमंत्री रहे हैं, अब आप कहते हैं कि अधिकारी उत्तर प्रदेश के भाजपा के कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं, मतलब क्यों ये बात आप कहते हैं? पूरे देश में हमें एक उदाहरण दे दीजिए जहां पर किसी एक आईएएस अधिकारी को इतने एक्सटेंशन मिले हों। डीएम वही, कमिश्नर वही, उन्हें टारगेट दिया गया, ये टारगेट पूरा करोगे तो आपको फिर एक्सटेंशन मिल जाएगा। और एक मौका नहीं, कई मौकों पर मैंने देखा है और कई घटनाएं ऐसी हैं जहां पर इनका खुलासा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनकर के काम कर रहे हैं। जो लोग नारे लगा के गए, याद कीजिए बहराइच की घटना क्यों हुई, डीजे पे कौन सा गाना बज रहा था डीजे में, जिसका विरोध किया लोगों ने और बाद में क्या घटना हो गई, एक दंगा हो गया वहां पर, जान चली गई लोगों की। दूसरी जगह यहां पर भी जब सर्वे टीम गई तो सर्वे टीम के साथ कौन लोग थे जो नारे लगा करके जा रहे थे? कानून व्यवस्था ठीक है, कोई जिम्मेदारी तो विपक्ष की भी है, आपकी भी है, आप मुखिया रहे हैं उस प्रदेश के। नहीं तो हमें मना कर दिया, हमारे डेलीगेशन को जाने नहीं दिया, जब वो कहेंगे डेलीगेशन को जाएंगे। हम आपसे कहते हैं, आपके माध्यम से कहते हैं, सरकार से कहते हैं कि वो हमें तारीख बता दो कि हम किस दिन आए, हम उसी दिन जाएंगे। और पीड़ित लोगों को अगर वो घरों में नहीं जाने दे रहे हैं, पीड़ित जो लोग हैं जो तकलीफ परेशानी बताना चाहते हैं वो एक जगह कहीं सरकारी जगह पर बैठा लें, हमारा डेलीगेशन जाएगा उनसे बातचीत करेगा। आखिरी सवाल रख लीजिए, अब संभल पे क्या चाहते हैं? आप ये बताइए, आप तारीख पूछ के बताइए कि इस दिन आप सब लोग आइए, हम जो पीड़ित लोगों से मिलने देंगे, क्या सरकार बताएगी तारीख? हम पूछेंगे सरकार से। बहुत धन्यवाद। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया, इनका कहना है कि सरकार की बात वो मानने के लिए तैयार है लेकिन सरकार को तारीख बतानी पड़ेगी किस तारीख को वो उनको जाने की इजाजत देते हैं, नहीं तो इसी तरीके से संसद में और सड़क पे विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। संभल मामले पर लेकर प्रशांत, न्यूज 24 दिल्ली।